नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार, दिल्ली दूर नहीं यूट्यूब चैनल से। और आज हमारे साथ हैं मुंडका विधानसभा से, रानीखेड़ा वार्ड से निगम पार्षद श्री जयेंद्र डबास जी, जो पूर्व में नेता सदन भी रह चुके हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार जयेंद्र जी। नमस्कार योगेश जी। जयेंद्र जी, अब जैसा कि अब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में दोबारा बन चुकी है, मोदी जी दोबारा आज शाम 7 बजे शपथ लेंगे, तो उससे पहले हम आपसे कुछ बातें करते हैं कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भारत की जनता को 72,000 रुपये सालाना पेंशन देंगे। तो अब वो सरकार तो आई नहीं कांग्रेस की, अब बीजेपी आई है, तो क्या बीजेपी कुछ पेंशन प्रक्रिया लेके आएगी भारत के युवाओं के लिए, या रोज़गार लाएगी, या क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस का तो जुमला था, उन्होंने जो 50 साल राज किया तब उन्होंने किसी गरीब का फायदा नहीं किया, तब गरीबों को गरीब ही बनाया, उसका केवल वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने देश में वो काम करके दिखाया है, उस काम की वजह से लोग बाग खुश हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट, मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, वो विकास के लिए दिया है और मोदी के कामों पर, विकास पर जनता का विश्वास है। अब मोदी जी जैसा कि अब दोबारा शपथ लेंगे, तो शपथ लेने के साथ ही सबसे पहले उनके 5 काम कौन से होंगे? जैसा कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लिए वो 5 काम ऐसे कौन से करेंगे जो कि आने वाले, जैसे अब जनवरी के अंदर विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता जो है उनसे, उनके और ज़्यादा करीब हो जाए या उनको दोबारा उनकी सरकार दिल्ली में बनाए, तो ऐसे वो पहले 5 काम कौन से करेंगे? देखिए, मोदी जी तो लगातार काम करते ही रहे और आने वाले समय में और भी ज़्यादा करेंगे। दिल्ली में बेसिकली ट्रैफिक जाम की समस्या है और माननीय गडकरी जी, हमारे जो NH रोड हैं उनका लगातार निर्माण कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी एक बाहर रोड निकलने वाला है, NH 344 नंबर, उसका बहुत जल्दी निर्माण होगा और जिससे दिल्ली की जनता को जाम से निजात मिलेगा। और बहुत सारे काम हैं, जैसे किसानों को हर साल 6,000 रुपये की बात थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होके जमा हो चुके हैं। केजरीवाल उनको ओके कर दे, तुरंत पैसा मोदी जी की तरफ से, तुरंत भारत सरकार की तरफ से तुरंत पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम केंद्र सरकार की तरफ से होने वाले हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि लोगों, देश की जनता ने राहुल गांधी को खुद उनकी घर की सीट अमेठी से बिल्कुल हरा के बाहर निकाला है, ये उनके लिए बहुत बड़ी हार है, जो कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मतलब मनोबल को बहुत ज़्यादा तोड़ती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को तो पता था, इसलिए वो वहाँ से सीट छोड़ करके दूसरी जगह से चुनाव लड़े। कांग्रेस को मालूम था तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादों पर सरकार या देश नहीं चलता। उन्होंने झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया, उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े गिरोह का समर्थन किया। आज देश की जनता ने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को ये देश की जनता सबक सिखाने वाली है, और इस चुनाव में देश की जनता ने वही करके दिखाया। अच्छा, अमेठी के अंदर जो भाजपा के प्रधान, पूर्व प्रधान थे, उनकी हत्या हुई है अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले, जिसमें स्मृति ईरानी जी ने उनकी अर्थी को कंधा देकर ये एक पहल करी है कि महिलाएं भी अर्थी को कंधा दे सकती हैं, ये आज से पहले हमने कहीं नहीं देखा था। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने बिल्कुल वो करके दिखाया जो इतिहास में कभी हुआ नहीं है। महिलाओं ने इस प्रकार का दृढ़ निश्चय किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और आने वाले समय में इसी प्रकार से समर्थी जी ने विश्वास भी दिलाया है कि जिन्होंने इस प्रकार की घृणित हत्या की है उसका बदला लिया जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जो हमारे कार्यकर्ता की जिस प्रकार से हत्या की गई है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उसको सबक सिखाया जाए, कानूनी तौर पर जो भी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी हम उसको सजा दिला करके रहेंगे। ये हम सबको पता है कि आने वाले अगले साल के शुरू में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, उसके को देखते हुए कल 28 मई को दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के मनोज तिवारी जी ने दिल्ली के 14 जिलों के अध्यक्ष, जो आपने, आपकी पार्टी के द्वारा बनाए हैं, गए हैं, उन सब की मीटिंग करी गई थी, जहां तक हमने सुना है उसमें चुनाव को लेकर के क्या नाम है बातें की गई हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बातें हुई है या क्या तैयारियां चलेंगी अब? देखिए, हमारा संगठन लगातार काम करता रहता है, हमारे संगठन ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा
पार्टी के लिए काम करते हैं और इस चुनाव में दिखा दिया है कि केजरीवाल सरकार तीसरे नंबर की सरकार में पहुंचा दिया, उनको मात्र 17% वोट दिल्ली की जनता ने दिया है और उसके कामों को जो केजरीवाल ने जो 70 वादे किए थे उनको नकार दिया है। आने वाले समय में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे बहुमत से बनेगी और कमल खिलने वाला दिल्ली में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पंजाबी बाग क्लब रोड पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक सभा करी है जिसमें उन्होंने हार की समीक्षा की और वो उन्होंने भी कहा कि ये चुनाव जो है भाजपा को जो वोट मिली है वो मोदी के नाम पर मिली है, लेकिन दोबारा दिल्ली में दोबारा उनकी ही सरकार बनेगी। ऐसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए अच्छे काम किए हैं, गरीब जनता के लिए काम किए हैं, बिजली हाफ करी है, पानी माफ़ किया है। ये बातें कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक उनका जनता साथ देगी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल ने जो 70 वादे किए उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। पानी के लिए हम ग्रामीण क्षेत्र में लोग बिल भरते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में पीने को पानी नहीं मिलता, कुछ पानी आता है वो भी गंदा आता है, सड़ा नालियों का पानी आता है, लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जो वादा बिजली का किया था, आज बिजली के लोगों को कनेक्शन तक नहीं मिल रहे, जिनके पास से तार हैं उनको कनेक्शन नहीं दे रहे। एक टाइम जब केजरीवाल जब वोट लेने के लिए आया था तो स्वयं तार जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़ा था। आज लोग आप पैसा दे रहे तो कनेक्शन नहीं मिल रहे, लोग बाग दुखी हैं और जनता इस चुनाव में केजरीवाल को जवाब देने वाली है। और इस चुनाव में केंद्र में अभी सरकार हमारी मोदी सरकार बन गई, उसके लिए भी मैंडेट दिया है और जनता ने ये दिखा दिया कि दिल्ली के किसी भी विधायक को और किसी विधायक जो या पार्षद निगम पार्षद जो भी थे आम आदमी पार्टी के, वो अपना बूथ तक नहीं जिता पाए, ये जनता ने बता दिया है। अच्छा, तो अब आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, ये आपका पर्सनल सवाल है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट मुंडका विधानसभा से कौन होगा, जिसमें हम कई नाम सुनते हैं, कहीं मनोज शौकीन जी का नाम सुनते हैं, कहीं मास्टर जी का नाम सुनते हैं, आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो अपने लड़के के लिए टिकट के दावेदारी कर रहे हैं, और कहीं आपका भी नाम सुनाई देता है, काफ़ी नाम सुनाई देते हैं। तो आपको ऐसा कौन सा कार्यकर्ता या ऐसा कौन सा नेता लगता है जो विधानसभा की बागडोर संभाल सकता है, विधानसभा को अच्छे से चला सकता है? देखो, ये तो जनता की आवाज़ है और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है वट वर्क्स के रूप में, उसमें डिसीजन हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है। जो डिसीजन जिसके पक्ष में भी होगा, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या किसी अन्य कार्यकर्ता के पक्ष में हो, हमारा एक ही मकसद है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके जाए। ये थे हमारे साथ जयेंद्र डबास जी, जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब दिए। तो इस इंटरव्यू को यही समाप्त करते हुए आप सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। जयेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। अगले एपिसोड में दर्शकों हम फिर मिलेंगे। जय